साथियों नमस्कार। भाई इलेक्शन का समय है तो इलेक्शन की बात करेंगे और होनी भी चाहिए इलेक्शन की बात, क्योंकि हम अपने लिए एक सेवक चुन रहे हैं, नौकर चुन रहे हैं जो पूरे हलके का ध्यान रखे। साथियों एक उदाहरण देना चाहूंगा और वो उदाहरण बहुत जरूरी है मेरे पूरे बादली हलके के सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी सबके लिए बहुत जरूरी है वो उदाहरण। और उससे आपको पता भी लगेगा कि असल में बादली हलके में हो क्या रहा है। मैं आज 4-5 गांव में गया भाई हमारे, मैं तो खुद सिलानी गांव से हूं, सिलाना गांव है हमारा माचरोली में और खुडन में। 2019 के चुनाव में इन 4 गांव ने मतलब 8,500 वोटों की लीड दी थी, सिर्फ 4 गांव ने। और पिछले दिन भाई दीपेंद्र हुड्डा का भी इन्हीं 4 गांव की गांव में प्रोग्राम भी था, खुडन को छोड़ के। उसके बाद में मैं दोपहर को घर आ गया, फिर एक बार फिर निकल गया दादरी तवे की तरफ, चलो वहां भी फौजियों से मिलेंगे, इस बहाने से कुछ अपने रिश्तेदारियां उनसे भी मिलेंगे। कुल मिला के कांग्रेस आज के दिन पीछे चल रही है बादली हलके में, और ये कांग्रेस का गढ़ है। और ये पीछे क्यों चल रही है, ये अहंकार और घमंड के कारण। साथियों जो मैं उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा था वो उदाहरण इस तरह से है, मैं एक फौजी आदमी हूं और जब हम फौज में थे तो हम छुट्टी मांगते थे और छुट्टी अपने सीएचएम को बोलते थे, प्लाटून हवलदार को बोलते थे, प्लाटून हवलदार सीएचएम को बोलता था, सीएचएम प्लाटून कमांडर को बोलता था। तो उस समय नफरी कम होती थी तो हमारे जो सूबेदार साहब थे वो कह देते भाई अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, आप अगले महीने मिलेगी, 2 महीने के बाद में मिलेगी। तो मैंने कह दिया कि नहीं, मैं कंपनी कमांडर से मिलना चाहता हूं, मेजर साहब से मिलना चाहता हूं, मेरे को मेजर साहब से मिलाओ, उनको मिलाना पड़ेगा। आप सुनने की बात है, मैं मेजर साहब के पास में जाता हूं, सलूट मारता हूं, मेरे पीछे सूबेदार साहब खड़ा है, मैं मेजर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं मेरे को छुट्टी जाना जी, घर में फलानी फलानी जो भी झूठे बहाने होते हैं सारे सब कुछ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि फौज का एक वसूल है कि आप 8 महीने के बाद में भी छुट्टी मांगोगे तो वहां पर यह कहा जाएगा कि क्या काम है, ये कोई नहीं देखता फौज के अंदर कि आपको 8 महीने हो गए या 10 महीने हो गए। तो मेजर साहब के सामने रिक्वेस्ट रखी तो पीछे जो सूबेदार साहब खड़े थे, मैं तो नहीं देख सकता, मेरी आंखें तो मेजर साहब की तरफ हैं, तो सूबेदार साहब ने ऐसा कराया कि इसको छुट्टी नहीं देनी, इसको छुट्टी नहीं देनी, और चुप मतलब इशारा ही बहुत होता है। मेजर साहब ने कहा कि भाई अगले महीने छुट्टी मिलेगी कपिल भाई, अगले महीने मिलेगी, अगले और जवान आ जाएंगे तब उनकी जगह आपको भेजेंगे, अभी नफरी कम है। बाहर निकले गेट से सूबेदार ने कहा कि देखा यार मैं आपको पहले ही बोल रहा था कपिल अभी छुट्टी नहीं देगा तेरे को मेजर साहब, देखा तूने क्या करा। मतलब सूबेदार साहब बिल्कुल साफ हो गया कहते हुए कि मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मेजर साहब छुट्टी नहीं देगा, पर उंगली हिला रहा था पीछे से कौन, सूबेदार। ऐसा ही माहौल पूरे बादली विधानसभा क्षेत्र में हो रखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके लीडरों के साथ। वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट तो मांगने जाते हैं पर उसके पीछे खड़े होकर ये कहते हैं कि वोट नहीं देना है, और ऊपर की तरफ उंगली दिखा देते हैं कि इशारा ऊपर से मिला हो। अब ये ऊपर भगवान जाने भाई भगवान से मिला किससे मिला, ये मैं वो ग्राउंड की सिचुएशन आप लोगों को बता रहा हूं। अब आते
आते हम अपने गांव पे, मैं खुद मैं अपने शिलानी गांव पे आऊं तो ये शिलानी गांव कांग्रेस का गढ़ रहा है और आज से गढ़ नहीं रहा है। हुड्डा साहब तो 2005 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले से ही ये कांग्रेस का गढ़ है शिलानी गांव। क्योंकि मैं फिर वही बात है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग से बनया, तो 6 महीने के बाद में विधानसभा का जो डिप्टी स्पीकर था वो शिलानी गांव का था। बंसीलाल की लड़की यहां ब्याह रखी है शिलानी गांव में, तो बहुत पुराना कांग्रेसी गांव है। उस कांग्रेसी गांव, वो कांग्रेसी गांव का गढ़ 2024 विधानसभा के चुनाव में टूटने जा रहा है। हमारे दो पन्ने हैं, दो पन्ने में, एक पन्ने में कांग्रेस का प्रत्याशी हार के निकाल रहे हैं, दूसरे में मतलब टोटल मिला के दोनों पन्ने में अभी तक वो 800 वोट लेके निकल रहा है कांग्रेस का प्रत्याशी, 800 करीब 800 के करीब दोनों पन्नों से वो 800 वोट, और गांव के अंदर 6,500 से ज्यादा वोट हैं तो 5,000 के करीब पोलिंग होंगी, 800 वोट पे वो निकाल के जा रहे हैं। पर इसको भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 500-550 के अंदर अंदर हो जाए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, धर्म है, जाति है, लिंग है, बस ये तो यहां क्या मोल है। सलाना में भी यही मोल है, माछरोली में भी यही मोल है, खुटन में मैं फौजियों से मिला, फौजियों ने भी यही बताया, क्योंकि फौजी आदमी सच्चा आदमी हुआ है, वो ज्यादातर बीजेपी कांग्रेस का अंधभक्त नहीं रहता, वो बीजेपी कांग्रेस या अन्य पार्टी किसी का अंधभक्त नहीं रहता, जो उसके मन में है, जो दिल में है, वही शब्दों में होगा। तो हमारा गांव जो शिलानी है वो कांग्रेसी गांव है, तो उस हिसाब से हम भी कांग्रेसी हुए। पर कांग्रेस के अंदर यह है कि आप अपनी बात को उठा सकते हो, आप सच बोल सकते हो, आप आलोचना कर सकते हो। आपने पिछले दिनों देखा होगा राहुल गांधी जी ने कितनी एक अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस में सबको स्वतंत्र, कोई मेरे खिलाफ भी बोलता है तो वो उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, कि कोई अगर नहीं बोलेगा तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। और लोक मतलब संविधान के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में, संसद भवन में, उन्होंने G20 का भी जिक्र किया कि G20 मेरे खिलाफ थी, उनकी अच्छी बातें थी, बहुत अच्छा था कि कांग्रेस में सब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। यह है बादली विधानसभा का पूरा। बादली विधानसभा में ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस का गढ़ था कि आज यह हॉट सीट बन गई हरियाणा के अंदर। पिछले सिर्फ 3 दिनों के अंदर यहां बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको जो मैसेज मिला है ऊपर से मिला होगा, पर ये हॉट सीट बनी कैसे? ये हॉट सीट बनी घमंड, अहंकार के कारण, क्योंकि अहंकार तो रावण का ही धरती में टिक गया था। और बादली विधानसभा में आपने देखा हो भाई, एक बार धनखड़ को भी विधायक बनाया था बादली विधानसभा ने, भाई स्वाभाविक तौर पे है वो जो उनको विधायक बनाया वो उसको हजम नहीं कर सके, उनके अंदर भी घमंड आया, अहंकार आया, सारी चीजें आई, और बादली विधानसभा ने जो धनखड़ को सिर पे बिठाया था उसको उतार के नीचे बिठा दिए। आज वही धनखड़ जी है जो ऐसे हो रखे हैं। मेरी मतलब हर जगह सोशल मीडिया, हम भी वीडियो देखते हैं, ऐसे हो रखे हैं। तो गवर्नमेंट को तो तोड़ा है, और तोड़ने के बाद में तो ये हुआ है कि हर गांव में हर जगह जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। पर कांग्रेस प्रत्याशी का गवर्नमेंट नहीं तोड़ा तो भाई ये तो आपके सिर पे बैठ जाएगा। और कांग्रेस लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है, वो कानून को मानने वाली पार्टी है। अगर उस पार्टी में कोई नेता जो घमंड, जो अहंकार, जो संविधान को
नहीं मानने वाला है तो उसको आपने, आप लोगों ने अपने सिर पे क्यों बिठाना है। मैं दादरी तवे की तरफ गया, कई गांव में गया, फौजी आदमी है। अब कई भाई ये बोलते हैं, भाई कोई भी भाई जो मेरे को नहीं जानता है वो अपने गांव के फौजियों से पक्का पूछना कि कपिल फौजी कौन है, और नहीं तो गूगल के ऊपर लिखना कपिल फौजी, सिर्फ इतना ही। मैंने सिर्फ अपने जज्जर के पूर्व सैनिकों के लिए नहीं, मैंने पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया। और आज इस समय, आज जो पूर्व सैनिकों की पेंशन आई है, जो 2017 के बाद में रिटायरमेंट हुए हैं, उनकी 2400 रुपये से लेके 7500 रुपये की बढ़ोतरी आई, और प्लस डीए भी आया। क्योंकि मैं 20 फरवरी 2023 को, 23 से हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया था जंतर मंत्र पे, और बीजेपी सरकार का विरोध किया था बहुत लंबा। हमने मतलब ये लगा लो किसान आंदोलन के बाद में कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो जंतर मंत्र पे हुआ है, पर शिवलिंग को नहीं पता होगा। और देश भर के सैनिक वहां पूछे हैं, लाखों की हमने भीड़ जुटाई है। आप ये सारे जब गूगल सर्च करोगे तब बादली हलके के भी गाड़ियां भर भर के पूर्व सैनिक जाते थे, तो उनसे आप पूछ सकते हो। अब हम आगे उस चीज में कि जो कांग्रेस प्रत्याशी का अहंकार और घमंड ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 3 दिन में पीछे कर दिया। सबसे हॉट सीट बादली पूरे विधानसभा में, मैं अपने बादली विधानसभा के मेरे ख्याल में 30-32 गांव हैं जो ये जिनकी जमीन इक्वायरमेंट करी गई 2006 में। मैं नैतिकता के हिसाब से प्रश्न पूछता हूं, एक सिर्फ एक मिनट के लिए कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी फलाना धक्कड़ इनको बाहर रख दो, इनको बाहर रख दो, एक नॉर्मल इंसान बनके, आप भी नॉर्मल इंसान बने, मैं भी नॉर्मल इंसान बनूंगा। और एक सवाल है मेरी पूरी बादली विधानसभा, खासकर जो हमारे गुड़िया खाप है जिनकी 30-32 गांव की जमीन 2006 में रिक्वायरमेंट करी गई 22 लाख में, क्या वहां के नौजवानों को यह पता है कि जब वो जमीन रिक्वायरमेंट करी गई मेरे हिसाब से 5500 से लेके 6000 एकड़ तक वो जमीन रिक्वायरमेंट करी, मेरे पास में पूरा डाटा नहीं है, मेन मेन चीज उसमें क्या शर्त थी, किसानों को क्या कहा गया था कि हम आपकी जमीन को रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, इसके बदले आपको एक नौकरी मिलेगी, एक रियासी प्लाट मिलेगा और एक इंडस्ट्रियल प्लाट मिलेगा, औद्योगिक प्लाट मिलेगा, उसके अलावा 2-3 और शर्तें थी। क्या बादली हलके में जिनकी जमीन को रिक्वायरमेंट किया गया, क्या किसी को एक नौकरी मिली? क्या उनको कोई रियासी प्लाट मिला? क्या कोई औद्योगिक प्लाट मिला, इंडस्ट्रियल प्लाट मिला? और आज अगर हम दादरी तवे की साइड में जाते हैं, पता है वहां 100 गज के प्लाट की कीमत कितनी है? 75 लाख से लेके 95 लाख, ये ग्राउंड का डाटा बोल रहे हैं। जो जमीन 22 लाख में ली गई थी, आज उसका रेट, सिर्फ वो जमीन तो थी 4800 गज किले की जो जमीन थी, और उसी जमीन में से सिर्फ 100 गज का टुकड़े की कीमत है ये। उसके बाद में चलो ये भी डी नोटिफाइड किया गया वो पूरा का पूरा कानून, कुछ किसी को कुछ नहीं मिला। जो आज वेयर हाउस बने हुए हैं, क्या कभी बादली जो हमारे दादरी तवे और जज्जर से हम अपने डासा बॉर्डर जाते हैं, कभी इन गांव की जो जमीन गई है, कभी इन गांव के सरदारी ने, नौजवानों ने कभी जानने की कोशिश करी कि जो ये वेयर हाउस बने हैं
इनके अंदर खाने की कैंटीनों का ठेका किसके पास में, बसों का ठेका किसके पास में, सिक्योरिटी गार्ड का ठेका किसके पास में, कभी आप लोगों ने देखा? और आज आप क्या कर रहे हैं, आप साइकिल उठा के टिप्पण लेके सुबह निकल जाते हो, पर ये ठेके भी नहीं मिले आपको, आपकी सरकारी नौकरी तो छोड़ो, ये कैंटीन के जो खाने के ठेके हैं वो भी नहीं मिले आप लोगों को, क्योंकि कमजोर हम हैं, हम अपना हक मांगना ही नहीं जानते। अगर आप ज्यादा छानबीन करोगे, क्योंकि कांग्रेस में स्वतंत्रता है बोलने की पूल, कि कांग्रेस का किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उसके खिलाफ में बोलो। ये सारे ठेके सिर्फ बादली क्षेत्र के नहीं, कुलाना तक, पाटोदा तक एक कांग्रेस के राजनीतिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के, जिनको जिसको आप लोगों ने अपने सिर पे बैठाया, वो आपकी कैंटीन भी खा गया, सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस भी खा गया, सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी वो भी खा गया, बसों के ठेके भी खा गया, और आप लोगों को उस वेयर हाउस में एक चपड़ा सी बना के रख दिया कि आप सुबह 24 इंच की साइकिल पे बैठो, दो रोटी लो टिफिन में और निकल जाओ फैक्ट्रियों की तरफ। ये वास्तव में इस इलाके के साथ में सबसे बड़ा खेल हुआ। हमारा जो इलाका है वो उसके पास में जमीन बहुत कम है, हमारे पास में आमदनी का जो साधन है वो पहले नंबर पर है नौकरियां, फौज की नौकरियां, पुलिस की नौकरियां, अर्धसैनिक बलों की नौकरियां, और जो हरियाणा के अंदर वो नौकरियां, हमारा मेन यही है। इसके अलावा हमारे पास में अगर हम जमीन से देखें तो जमीन का हमारे पास में रोजगार नहीं है, क्योंकि जमीन बहुत कम है यहां पे इस क्षेत्र में। तो भाई जब जमीन ही कम है और वो जमीन चली गई, तो अब ये भी नहीं रहा हमारे पास में कि एक आधा किला हम डगा दे और उस किले को डगा के कितना डोंकी मार के अमेरिका पूछे। अरे वो जींद वाले, हिसार वाले, कैथल वाले, उनके पास में तो फिर भी एक एक बंदे के पास में, क्योंकि वहां रकबा ज्यादा है और वहां एक मतलब क्या कहेंगे कि वहां पर एक एक व्यक्ति है तो उसका एक ही बेटा रहा, फिर उसका एक ही बेटा रहा। हमारे यहां पर एक पिता के 6-6 बेटे हो गए, फिर उसके 5-5 4-4 हो गए, तो रकबा हमारा बहुत कम होता चला गया। तो उनके पास में तो फिर भी अभी 2-2, 5-5, 6-6 किले हैं, वो तो किले बेच रहे हैं, डोंकी मार रहे हैं। तुम्हारे पास में तो किले ही नहीं बचे, पूरे जज्जर में छोड़ो पूरे रोहतक में किले नहीं बचे, क्योंकि हमारे पास में पहले से ही जमीन कम है। तो अब आप लोगों पर निर्भर है, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर पीछे से उंगली कर रहे हैं कि वोट नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी, तो ये सारा समझ जाओ। और आज रात को बड़ा इशारा हो जाएगा कल सुबह तक, मेरे पास में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सुबह तक कल 11-12 बजे तक कोई ना कोई निकल जाएगा, क्योंकि सीट क्यों निकालता है, क्योंकि अब कांग्रेस एक तब तो भाई बीजेपी का उम्मीदवार है, एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार है, और जो निर्दलीय लड़ रहा है वो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, कोई भी संगठन हो, ये भारत का संविधान बोलता है, एक व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता, ना तो मोदी बना सकता संगठन और ना ही राहुल गांधी बना सकता जब तक हम ना हों। तो जो निर्दलीय लड़ रहा है वो भी कांग्रेस का ही है कार्यकर्ता, तो वहीं से बीजेपी से तो आया नहीं, वो भी कांग्रेस का है। अगर कोई उससे पूछे भी राजनीति आपने कहां से शुरू करी, तो स्वाभाविक तौर पे कहेगा भी मैंने कांग्रेस से शुरू करी। तो इस हिसाब से कांग्रेस के दो उम्मीदवार हैं, इशारा आप लोगों के पास में है, कांग्रेस के लीडरों से पूछो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछो, अपने गांव में बात करो, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे बात करो। ये कांग्रेस का प्रत्याशी तो भाई
मैंने कहा था 3-4 दिन पहले कि जो मेरे गांव में सिलानी में करके गए हैं वो 36 बिरादरी के मुंह पे तमाचा मार के गए हैं, 3 दिन के अंदर वो मेरे गांव में डोर टू डोर घूमने लग जाएगा और आने वाले दिन में मैं दिखा दूंगा कि जिस गांव में वो कह के गया था कि मेरे को इस गांव की वोट ही नहीं चाहिए, उस गांव के अंदर डोर टू डोर निकलता हुआ आप लोगों तक मैसेज नहीं आए, मेरे को देने की जरूरत नहीं, आप खुद सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हीं व्यक्तियों की जो सोशल मीडिया है उनसे आप लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। 3 दिन में मेरा तो कुछ नहीं है, ये जानता भी नहीं, मेरे पीछे जितने मेरे गांव में पत्रकार भेजने हैं कुछ भेजने हैं, क्योंकि अपने पे कोई दाग नहीं, छीट पर का भी नहीं, ना मैं बीजेपी का कोई अंधभगत, ना मैं दूसरी पार्टियों का कोई अंधभगत, मेरा गांव ही पूरा कांग्रेसी है, तो उसी हिसाब से हम भी कांग्रेसी हैं। और आज से थोड़ी है कि 2005 से हम बहुत पहले से ही कांग्रेसी, तो आप इस चीज को समझो और घमंड को और अहंकार को तोड़ने का काम करो, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, ये राहुल गांधी की विचारधारा है, जिसने घमंड और अहंकार है वो कभी भी संविधान का सम्मान नहीं कर सकता। तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है बादली हल्के में चारू खाने चित कर दो, 5 अक्टूबर को जवाब दे दो कि बादली हल्का ना तो अहंकार को मानता, ना घमंड को मानता, ना बै को मानता, आपको कहीं वोट दे। मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करे, आपका जहां इच्छा है वहां दो, वही मेरे हिसाब से आपको जहां अच्छा लगता है वहां दे दो वोट, पर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इसको वोट नहीं देनी है। अगर फिर भी आप घमंड और अहंकार को संविधान से ऊपर रखोगे तो भाई ये तो नुकसानदायक होगा। और कोई भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंख लाल आंख दिखाए तो क्या बादली हल्का उसको सहन कर सकता है? भाई दीपेंद्र हुड्डा को कोई लाल आंख दिखाए, जिन्होंने जिसको एक जोड़ा छाप को उठा के और कहां पहुंचा दिया, और वो जोड़ा छाप भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखाए, क्या आप सहन कर सकते हो? भाई मैं तो सहन कर नहीं सकता कोई भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंखें दिखाए, अब आप लोगों के ऊपर है। तो अगले दिनों में बहुत कुछ प्रयत्न होगा, सिर्फ 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो नजरें बना के रखें। पूरा इलेक्शन बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है बादली, पहले बोलते थे जुलाना है, उसके बाद में भाई अपने दादरी वाली है और 5-7 प्रेन इसकी तरफ है, सिरसा की तरफ है, 2-3 प्रेन की तरफ है, पर नहीं वो सबको अब पीछे हटती हुई जा रही है। अब पूरे हरियाणा की नजर ही बादली विधानसभा पे आ चुकी है, और खासकर पुराना रोहतक जिले की बात करूं, रोहतक सोनीपत झज्जर की, तो ये नजरें अब बादली हल्के पे आ चुकी है। और आप लोगों तक पूरे हरियाणा के भी मैसेज मिल रहे होंगे, जहां जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं, वो मैसेज मैं नहीं बता सकता कि किस तरह से, मैं उनको जानता भी नहीं आपके कहां का रिश्तेदार है, भाई बादली हल्के पूरे बादली हल्के की जो क्षेत्र है उनकी कहां कहां रिश्तेदार है, पता नहीं अंबाला तक है भाई, सिरसा तक है, रेवाड़ी तक है भाई, अपने पलवल तक है, सबके मैसेज आप लोगों के घर तक आ रहे हैं, वही बता रहे हैं कि क्या करना है आप लोगों को, कि कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहा है पिछले 3 दिन से, और वोट सोच समझ के जहां पे आपको करना है इतना ही सारा बहुत होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई, जय हरियाणा, जय बादली विधानसभा।